सुबह है, मौसम सुहाना है और मुझे आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाना है। 2019 में एक गाना आया था जो कि राजा भगत चंद जी के लिए गाया था। राजा भगत चंद जी के नाम से अब जान ही गए होंगे आपके, मैं बात कर रहा हूँ राजा भगत चंद, जो कि जुब्बल रियासत के बहुत ही फेमस राजा थे पहले, मतलब उनके अंडर ये सारी रियासत रहती थी। तो आज मैं पहुँचा वहाँ पे जुब्बल में और मैं आपको सारा व्यू बताऊँगा। यहाँ पे एक महल है, काफ़ी पुराना महल है, माना जा रहा है कि वो जो महल है वो 1934 के आसपास का बना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो 100 साल पुराना महल है। और मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या है। और जो रही बात राजा भगत चंद जी की, तो वो बहुत ही क्रांतिकारी और निडर राजा थे अपने शासनकाल के, और उनका जो ज़्यादा फोकस था, मतलब ज़्यादा वो जिस पे ध्यान देते थे राजा भगत चंद जी, वो था उनका शिक्षा पे। वो ज़्यादा जोर शिक्षा पे देते थे। उनका मानना ये था कि मतलब हर व्यक्ति शिक्षित हो, मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए बंदा, तो उनका ज़्यादा जो फोकस रहता था वो शिक्षा पर ही रहता था। तो करते आज का जो व्लॉग है भाई, अब चलते हम। अभी देखो मैं वार वाली साइड और जो जुब्बल है वो सामने दिख रहा है, तो आज अब हम चलते हैं और आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो करते हैं हम शुरू, और हम जा रहे हैं भाई जुब्बल, जो कि मंदिर जो हमने बोला था पैलेस दिखाया गया, और ये अपने साथ सारे भाई लोग चले हैं। हेलो है कर दो भाई सारे। तो करते हैं फिर आज का व्लॉग शुरू। तो चलिए आगे आगे। महल जाने से पहले दोस्तों, जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये है भाई यहाँ का फेमस शिव मंदिर है यहाँ का। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, और ये जो मंदिर आप ये सामने देख रहे हैं ये तो अभी नीचे वाला मंदिर है। ये यहाँ पे पानी निकला है, जो वो उमटा हुआ पानी है, मतलब मिट्टी से फटा हुआ पानी है वो, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया इस मंदिर में। और जो मेन मंदिर है वो ऊपर वाली साइड है, अभी मैं आपको उसको दिखाऊंगा। उसके छत पर भी कुछ लगा है मटका सा, तो अच्छा व्यू है। इसके बाद ये रहा वो मेन मंदिर, और देखिए पूरा लक्कड़ से बना है, लक्कड़ और पत्थर से बना है, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया इसमें, बोलते हैं जिसको कारीगरी की है बंदों ने, जो मिस्त्री हो गए यहाँ के। तो अब मैं यहाँ आपको दर्शन करवाता हूँ साक्षात भोलेनाथ के। तो चलिए फिर, ये देखिए ये छोटे से दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे बनाए हैं, और ये देखिए वो शिवलिंग, यहाँ का जो फेमस शिवलिंग है, देखिए कितना प्यारा व्यू है इसका। और इसी के साथ, इस मंदिर के साथ ही पीछे वाली साइड को बना है शिव जी की मूर्ति बनी है, बहुत प्यारी मूर्ति बनी है, ऐसा लगता है मानो कि साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए रास्ता भी सीढ़ियों सा, मतलब पत्थर वाला रास्ता है, और ये है भोले शंकर ओम नमः शिवाय, ऐसा लगता है इनके दर्शन पाने से साक्षात बैठे हो जैसे। और ये जो मूर्ति बनाई है ये चट्टान के नीचे बनाई है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं भाई जुब्बल बस स्टैंड। ये जुब्बल बस स्टैंड है, और अच्छा व्यू है यहाँ का भी, बहुत अच्छा व्यू है, अच्छा है जुब्बल वैसे। और यहाँ से मैं अब दिखाता हूँ आपको जो राजा का महल है वो भी यहाँ से दिखता है, तो उसका कैसा व्यू है तो देखिए फिर। ये रहा वो सामने भाई, कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, पीला पीला सा कलर आ रहा है, और नेचर तो इतना अच्छा है कि क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इसका। तो चलते अब इससे आगे भी हम करेंगे, अब हमने पार जाना है और वहाँ हम आपको दिखाएंगे नज़दीक से, और ये बस स्टैंड भी अच्छा है। तो चलते फिर आगे आगे, फिर आपको वहीं जाके बताएंगे इसके बारे में, इसकी विशेषताएँ। तो चलिए फिर।
सबसे बड़ी बात तो इसमें ये आती है कि जो इसमें ये पत्थर आए हैं ये कहाँ से आए और इतने सारे पत्थर कहाँ से आए हैं। इस दीवार की ऊंचाई लंबाई भाई बहुत ही ज़्यादा है और मैं अनुमान नहीं लगा सकता। जितने भी पत्थर है सारे के सारे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हैं और जो मिस्त्री हो गए उस टाइम के भाई, मैं तो उनको अच्छे से सलूट करूँगा कि भाई इतनी अच्छी दीवार दी है और 100 साल हो चुके और अभी तक सही चली है। और ये देखिए ये है वो महल। और यहाँ हमारे साथ भाई एक बहुत गलत बात हो चुकी है क्योंकि हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा है। हमने यहाँ के लोगों से भी पूछा तो उनका कहना है कि बंद है। फिर भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा इसका पूरा। हम इसके सामने वाली साइड गए हैं अभी और इसका आप व्यू देख सकते हो, पूरा व्यू देख सकते हो। ये देखिए ये ऐसा लगता है जैसा एक किला होता है ना, पुराना सा किला, वैसा इसका व्यू लगता है। और जो यहाँ के भाई लोग थे उनका कहना ये भी है कि जो इसका ये महल है इसके छत पर पहले 2 सोने के अंडे रखे थे और अब वो हटा दिए गए हैं, पता नहीं क्यों हटा दिए गए हैं। और ये सच्ची बात है। जो भाई हमारे पूर्वज थे उनका भी ये मानना था कि ये जो महल है इसके जो छत पे भाई सच में 2 सोने के अंडे रखे थे पर अब हटा दिए गए हैं, पता नहीं क्यों हटा दिए गए हैं। और भाई सबसे नज़दीक से मैं इतना ही दिखा सकता हूँ आपको क्योंकि भाई इसके जो नज़दीक बिल्डिंग है वहाँ से मैं आपको भी व्यू दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी नज़दीक से देखिए ये भाई जो महल है ये राजा भगत चंद जी के टाइम का बना हुआ महल है और बहुत ही अच्छी कारीगरी की है इस महल में, काफ़ी बड़ा बना है। और तो भाइयों यही था आज का व्लॉग। और भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारा छुआरा HP10 जो चैनल है भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे।